हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ लाइफ फॉर MBBS इन रशिया। काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल रहता है, कमेंट्स में भी हमें व्हाट्सएप भी पूछते रहते हैं कि सर लास्ट डेट क्या है, हम काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, हम अभी वेटनरी का ट्राई करेंगे, अभी हम BDS का ट्राई कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि लास्ट डेट क्या है एडमिशन के लिए, अप्लाई करने के लिए रशिया में। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल लेना या फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई करेंगे जरूर। और अगर रिक्वायर्ड पड़ा तो हम उस पर टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे। और आप हमें जब भी चाहे आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी उनको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर लास्ट डेट क्या है और कब एडमिशन्स ओपन होंगे, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो रशिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है। सभी यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट है वो सेम नहीं रहती है। इवन अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, जैसे कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी है, वो अभी तक अपने 3 फेज ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के। आने वाले अगस्त में भी उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फेज़ होगा। यूनिवर्सिटी में मात्र 60 सीटें हैं जिनके लिए इंडिया से ऑलरेडी अभी 800 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। और भी अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट वीक से वो अपना एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बाकी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ जैसे कि बश्कीर यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी, पियर यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी इन्होंने अपने एडमिशन स्टार्ट कर दिए जून 1 वीक से, एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटीज इशू कर रही है लेकिन अभी तक इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम अभी तक शेड्यूल नहीं कराए हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर मैं बात करूं कि एडमिशन की अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होती है, तो ऐसा सच कोई लास्ट डेट नहीं होती है। मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन जो है वो आपके 31 अगस्त तक तो ओपन रहते हैं। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि पियर यूनिवर्सिटी है, बश्कीर है, नॉर्दर्न है, जिनमें आपके एडमिशन सेप्टेम्बर एंड तक भी ओपन रहते हैं और कई बार डेट्स एक्सटेंड भी हो जाती है अक्टूबर मिड तक भी। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है सभी यूनिवर्सिटीज़ में वो ये है कि सभी यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स रहती हैं और एक बार जब सीट्स फुल हो जाती हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तुवेर यूनिवर्सिटी की, तो तुवेर यूनिवर्सिटी 275 सीट्स है। जैसे ही सीट्स फुल हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी 10-12 स्टूडेंट्स को और एडमिशन लेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन बंद कर देगी। 10-12 स्टूडेंट्स का और भी इसलिए लेगी ताकि अगर कोई बच्चा बाई चांस एडमिशन कैंसिल करता है तो इतना यूनिवर्सिटी के पास रहता है कि हाँ चलो कि अगर 5-6 बच्चे अगर एडमिशन कैंसिल करते हैं 200 में से, या फीस पे नहीं कर पाते हैं, उनका बजट अगर नहीं बन पाता है, या उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनका पासपोर्ट टाइम पे नहीं आता है, तो ताकि यूनिवर्सिटी की सीट्स वेस्ट ना हो इसलिए यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत 5-6% एडमिशन एक्स्ट्रा लेती है और उतनी सीट्स एडजस्ट हो जाती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इतनी परमिशन रहती है यूनिवर्सिटीज़ को। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई ऐसा लास्ट डेट नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग अटेंड भी करनी है इंडिया की, आपको वेटनरी BDS में ट्राई भी करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो रशिया फील्स के साथ में। और अगर आपका एडमिशन इंडिया में हो जाता है तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेज आप पे करोगे वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हो हमारे थ्रू जो भी यूनिवर्सिटी अपना, उसमें एडमिशन आप अप्लाई कर दीजिए, अपना एडमिशन लेटर लेके आप अपना इंडिया का जो प्रोसेस उसको कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप एब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उससे ऐसा नहीं कि आपके इंडिया का प्रोसेस रुक जाएगा, वो आपके हाथ में है। तो आप ये प्रोसेस आप ऐसा कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन सीट बुकिंग आप करा लीजिए, अपना एडमिशन लेटर आप ले लीजिए यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप इंडिया की काउंसलिंग आप करते रहिए। जैसे इंडिया की काउंसलिंग खत्म होगी, अगर आपका नंबर इंडिया में आ जाता है तो आप अपना इंडिया में कंटिन्यू कर सकते हो, आप उनसे रिफंड ले सकते हो। अगर आपका अब्रॉड में प्रोसेस कंटिन्यू करना है तो आगे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। होप इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग लास्ट डेट। एज सच कोई लास्ट डेट नहीं होती है, जनरली 31 अगस्त या 31 सितंबर 30 सितंबर के आसपास तक एडमिशन्स ओपन रहते हैं मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में। जहाँ सीट्स फुल हो जाती है वहीं सिर्फ एडमिशन्स क्लोज होते हैं। सो अगर आप चाहते हो किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट नीचे कर सकते हो या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको जानकारी चाहिए किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, उसकी फी डिटेल्स के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम कैसा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इस टाइप के, अगर आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।